मिशन शक्ति पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, चुनाव आयोग ने विपक्ष की शिकायत को किया खारिज, प्रधानमंत्री आज पूर्वोत्तर राज्यों में करेंगे प्रचार, अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग और असम के डिब्रूगढ़ और तेजपुर जिले में रैलियों को करेंगे संबोधित। अहमदाबाद में रैली और रोड शो के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गांधीनगर लोकसभा सीट से करेंगे नामांकन। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के अलावा एनडीए में शामिल दलों के नेता रामविलास पासवान, प्रकाश सिंह बादल और उद्धव ठाकरे भी रहेंगे मौजूद। टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने नालगोंडा तो डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने रामेश्वर में की रैलियां। जेल में ही रहेगा पीएनबी धोखाधड़ी मामले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी। लंदन कोर्ट से नीरव मोदी को फिर नहीं मिली जमानत। जज ने कहा नीरव मोदी सरेंडर नहीं करेगा, इसे मानने के पर्याप्त आधार। 26 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर में आतंकी कमर तोड़ने के लिए बड़ा कदम। केंद्र ने आतंकी फंडिंग के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप का किया गठन। वॉशिंगटन में आतंकरोधी समूह की बैठक के बाद भारत और अमेरिका का सख्त संदेश, का आतंकवाद पर निर्णायक और असरदार कार्रवाई करे पाकिस्तान। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच खिताबी भिड़ंताज। फाइनल मुकाबले में जीत की लय को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। आखिरी लीग मैच में पोलैंड को 10 गोल से करारी शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद।